स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड द टॉपिक इज सॉरी पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन. इन माय प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस द वेव नेचर ऑफ रेडिएशन एंड टुडे वी विल डिस्कस द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 14 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम. बिफोर यू स्टार्ट द टॉपिक जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर सो दैट आपके पास जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पहले से आ जाएं. क्लियर? सो आई विल स्टार्ट अ टॉपिक विद व्हाट इज अ पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन. दिस इज गिवन बाई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन वॉज गिवन बाई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. दिस थ्योरी वॉज गिवन बाई मैक्स प्लैंक एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वी हैव टू डिस्कस सम पॉइंट. सो बिफोर आई डिस्कस द पॉइंट आई शो यू वन डायग्राम. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेव लाइक दैट. वेव इन द सेंस रेडिएशन की बात कर रहे हैं. वेव मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि हम पर्टिकुलरली बात किसकी कर रहे हैं, रेडिएशन पार्टिकल नेचर की. तो हम रेडिएशन ही बोलेंगे यहां पर, हम वेव के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे. सो दिस इज द रेडिएशन. नाउ दिस रेडिएशन, नंबर वन थिंग, इट कंटेन्स स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जीज लाइक दैट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. दीज आर द स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जीज टर्म्ड एज क्वांटम. सो आपका जो रेडिएशन है वो बेसिकली स्मॉल पैकेट्स का बना हुआ है एंड वन पैकेट इज सेट टू बी द क्वांटम. फर्स्ट पॉइंट क्लियर. सेकेंड पॉइंट यहीं पर हम डिस्कस करेंगे कि बेटा ये देखिए कि दो क्वांटम के बीच में बाउंड्री है. अगर आपका रेडिएशन यहां तक है, टिल दिस पॉइंट यू आर हैविंग द रेडिएशन, क्लियर, देन हाउ मेनी पैकेट्स आर देयर? वन पैकेट्स आर देयर. इफ योर रेडिएशन इज अप टू दिस पॉइंट देन वी आर हैविंग टू पैकेट्स. इफ द रेडिएशन इज अप टू दिस पॉइंट वी आर हैविंग द थ्री पैकेट्स. यहां तक वी आर हैविंग फोर पैकेट्स, टिल हेयर फाइव पैकेट्स, टिल हेयर सिक्स पैकेट्स एंड दिस कंप्लीट इज हैविंग द सेवन पैकेट्स. सो यहां पर जो आपका रेडिएशन है वो डिसकंटिन्यूअस है. इट इज नॉट द कंटिन्यूअस. डिसकंटिन्यूअस इन द सेंस कि दो पार्टिकल के बीच में जो क्लियर कट बाउंड्री है हमारे पास, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस लाइक दैट. अगर ये पार्टिकल के बीच में बाउंड्री नहीं होती देन आई विल से इट इज अ कंटिन्यूअस. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो फर्स्ट पॉइंट इज आई विल राइट ऑन द बोर्ड द एनर्जी is emitted or absorbed discontinuously in the form of small packets of energies termed as quantum. And one more name is there, photon. Photon is if the radiation is of light. अगर आप light की radiation में deal कर रहे हैं then the term photon can be used. और overall for all the electromagnetic radiations the term quantum is used. So first point is clear. This is the radiation. This radiation is discontinuous and the divided into small packet of energies. One packet is said to be quantum and if we are dealing in the light then it is said to be photon also. Now point number two, the energy of photon or quantum, E stands for energy of quantum. Energy of quantum, beta, this is directly proportional to frequency of radiation. Suppose this is the radiation, this will have the frequency nu. So one packet ka jo energy hai usko hum E se denote karenge, like E. Each quantum will have the energy E. So the energy of one quantum is directly proportional to the frequency of the radiation. If I remove this proportionality, then I will get a constant E is equal to h nu. This h is said to be Planck's constant. Now we have to do two things. We have to define the Planck constant as well as we have to find its value as well as units. So definition is clear, बिल्कुल, in the sense कि मैंने आपको पहले ही बताया था how to define a constant. The constant is always equal to the identity जो उसके सामने होती है उसके equal करते हैं और बाकी identities की value को हम क्या करते हैं, unity और one.
सो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को 1 हर्ट्ज कर दूंगा, आई मेड द फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज, देन प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ क्वांटम, 1 क्वांटम. सो प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ क्वांटम इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज 1 हर्ट्ज. रिमेंबर नाउ एज फार एज वैल्यू एंड यूनिट्स आर कंसर्न्ड, द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज 6.626 10 रेज टू द पावर -34 जूल सेकेंड. इफ यू विल राउंड ऑफ दिस देन इट विल बी 6.63 10 रेज टू द पावर -34 जूल सेकेंड. दीज आर द टू वैल्यूज, यू कैन यूज एनी ऑफ देम, डजंट मेक एनी डिफरेंस. सो पॉइंट नंबर 1 and 2 वी हैव डन. सो द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज, आई विल राइट हियर, ई इज इक्वल टू एच न्यू, ई इक्वल्स टू एच न्यू, एच न्यू, एच न्यू. ओके, सो नाउ विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं यहाँ पे. वी हैव डन द टू पॉइंट्स, उनको रिमूव करते हैं. नाउ विल गो टू द थर्ड पॉइंट ऑफ द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. द थर्ड पॉइंट सेज, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी, हमें क्या कैलकुलेट करनी है बेटा, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, देन वी हैव टू एड द एनर्जी ऑफ ऑल द क्वांटम्स. इन दिस रेडिएशन देर आर 7 क्वांटम, सो आई विल राइट एच न्यू, एच न्यू, एच न्यू, एच न्यू, एच न्यू 7 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. और अगर हम इनको कंबाइन करेंगे, व्हाट विल आई गेट, आई विल राइट 7 एच न्यू. सो ई टोटल इज इक्वल टू 7 एच न्यू. एंड एच न्यू क्या है बेटा, 1 पैकेट की एनर्जी. सो आई विल राइट ई टोटल इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ ई. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि जो आपकी टोटल एनर्जी है, इट इज द होल नंबर, सॉरी मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ 1 क्वांटम. 1 क्वांटम की एनर्जी का मल्टीपल होगा. कैसे, सी आउट, हम मान के चलते हैं कि 1 क्वांटम की एनर्जी 2 जूल है. देन द एनर्जी ऑफ 2 क्वांटम्स, 2 मल्टीप्लाई 2 विल बी 4 जूल्स. 3 क्वांटम्स, 2 3 जा 6 जूल. 4 क्वांटम्स, 2 4 जा 8 जूल. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एट ऑल दीज वैल्यूज 4 6 8 These are the multiple of 2 joule. That is the energy of 1 quantum. A quantum की energy का multiple है. तो इसको अगर हम एक formula में convert करें, so हमारा जो formula आएगा according to point number 3, the total energy E total is equal to n h nu, where n stands for number of quantas or number of photons. Clear to all of you? And you know that nu is equal to c upon lambda. So beta, this will be E total is equal to nh c upon lambda. So this is the third point. And theoretically the third point is the total energy of radiation is the multiple of energy of 1 quantum. So this is all about the theory. I'll write the formula on the right hand side so that we can use them for the future in numericals. So E is equal to h nu, and we know that nu is equal to c upon lambda. So beta, this is equal to hc upon lambda, and E total is equal to n h nu or nhc upon lambda. Am I clear? फॉर द न्यूमेरिकल्स हम कुछ और बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हमारा थ्योरी कंप्लीट हुआ, और थ्योरी के अकॉर्डिंग एक बार फिर से बताऊंगा, द एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जीज. दीज पैकेट्स आर सेट टू बी क्वांटम, एंड इन केस ऑफ लाइट दीज आर सेट टू बी द फोटोन्स. एनर्जी ऑफ 1 क्वांटम इज एच न्यू, एंड टोटल एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज द मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ 1 क्वांटम. सपोज 1 क्वांटम विल हैव द एनर्जी 2 जूल, देन 2 क्वांटम विल हैव द एनर्जी 4 जूल, 3 विल हैव द एनर्जी 6 जूल, 4 विल हैव द एनर्जी 8 जूल, एंड सो ऑन. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. नाउ बेटा, वी विल डिस्कस सम पॉइंट्स, और यू कैन से सम लिमिटेशंस ऑफ वेव नेचर. जो हम वेव नेचर के लिमिटेशंस थी, जो अकॉर्डिंग टू वेव नेचर हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, उसमें से कुछ लिमिटेशंस हम अभी डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऑन द बेसिस ऑफ
पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, जस्ट सी आउट नाउ, दिस इज अ ब्लैक बॉडी, आई विल राइट बी बी. व्हेन दिस ब्लैक बॉडी इज हीटेड, हीटेड इन द सेंस इट विल गेन द एनर्जी, ये एनर्जी का गेन कर रहा है. देन फ्रॉम इट द रेडिएशंस आर कंटिन्यूअसली एमिटिंग एंड दीज रेडिएशंस विल चेंज देयर कलर. दिस चेंज इन द कलर ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बी बी आर, ये एक्सप्लेन नहीं हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर, बट नाउ वी आर इन द कंडीशन टू एक्सप्लेन दिस ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर. आई क्लियर योर टू वन थिंग नाउ, ध्यान से देखिए बेटा, हम ब्लैक बॉडी को हीट कर रहे हैं. आई राइट साइमल्टेनियसली, वेन अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड, ठीक है, वॉट हैपन्स, एनर्जी इंक्रीजेस, उसका एनर्जी इंक्रीज होगा, इट्स एनर्जी इंक्रीजेस, क्लियर. और हमारा एक फॉर्मूला है बेटा, ई इज इक्वल टू एच न्यू, सो इफ द एनर्जी इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी आल्सो इंक्रीजेस, सो ये जो रेडिएशंस हैं इनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. आई विल राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन इंक्रीजेस, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी देन द चेंज इन कलर अकर्स, बिकॉज द कलर चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इंक्रीजेस, ड्यू टू विच द कलर ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन चेंजेस फ्रॉम लो फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है. जैसे एनर्जी लो से हाई पे जाएगी तो फ्रीक्वेंसी भी लो से हाई पे जाएगी, और कलर भी कैसे चेंज होंगे, लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी, कैसे, हमने लास्ट लेक्चर में किया था वी आई बी जी वाई ओ आर. अगर आप रेड कलर से वॉलेट की तरफ जाओगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है. सो कलर चेंज भी कैसे होगा बेटा, रेड टू ऑरेंज येलो ग्रीन एंड फाइनली वॉलेट. सो आई हैव रिटन, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड इट्स एनर्जी इंक्रीजेस, due to which the frequency of black body radiation increases, color of black body radiation changes from low frequency to high frequency, that is from red to orange to yellow and finally violet. Am I clear to all of you? So yahan par ye humne explain kiya the first limitation of the wave nature of radiation. Now we'll discuss the second limitation of wave nature of radiation, that is photoelectric effect. The observations of photoelectric effect was not explained on the basis of wave nature. Today we'll discuss on the basis of particle nature. So we'll discuss observations of photoelectric effect on the basis of particle nature of radiations. Observation of photoelectric effect on the basis of particle nature of radiations. So just see how the students. First, थोड़ा diagrammatically मैं आपको समझा देता हूँ what we have done in photoelectric effect. This is the metal surface and this is the electron. When a radiation of energy or frequency greater than nu naught, एक particular frequency से ज़्यादा की radiation अगर आप metal surface पर fall करोगे, then the electron eject and it will move with kinetic energy. Clear to all of you? So this was the photoelectric effect. और इसकी कुछ observations explain नहीं हुई थी, so I'll explain now. First point, first observation क्या थी कि how the electron ejects after supplying radiation of frequency greater than nu naught. First, this observation was not explained कि जब हम एक particular frequency से ज्यादा frequency की radiation डालते हैं तो electron कैसे eject होता है. This I will tell you now. This is the nucleus.
न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। क्यों अट्रैक्ट किया? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज और जो आपका न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है। और ये जो अट्रैक्शन है, दिस इज नंबर वन सेट टू बी द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो जो आप यहां रेडिएशन सप्लाई कर रहे हो, रेडिएशन मीन्स आप अल्टीमेटली क्या सप्लाई कर रहे हो, यू आर सप्लाई द क्वांटास और यू आर सप्लाई द फोटोन्स। सो बेटा क्या होगा सेकंड पॉइंट, फोटोन्स अपनी सारी एनर्जी किसको देंगे, इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को यूज करेगा टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? फिर से समझा रहा हूं, फोटोन और क्वांटास अपनी सारी एनर्जी किसको देंगे, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन उसको यूज करेगा टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो आई विल राइट द रीजन, द क्वांटास और फोटोन्स गेव देयर एनर्जी to the electron to overcome the electrostatic force of attraction between electron and nucleus. So first point is clear to you. Now observation second that was not explained is the kinetic energy of ejected electron is directly proportional to frequency of radiation. ये जो kinetic energy है ये किसके directly proportional है, जो light या radiation हम provide कर रहे हैं उसकी frequency पे। So this I will explain with you now. This radiant energy जो यहाँ radiation हम show कर रहे हैं बेटा, उसकी frequency nu है और वो nu not से ज़्यादा होनी चाहिए, तो जो radiation हम supply कर रहे हैं उसकी जो energy है वो क्या है, h nu। क्लियर हो गया अच्छी तरह से? अब सपोज ये एनर्जी है 20 जूल, जस्ट अंडरस्टैंड, और इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो है 15 जूल्स। क्लियर? सो जब ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा इसके पास कितनी एनर्जी बचेगी, 5 जूल, और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां पर एक थोड़ा सा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन जब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम करता है तो जो एनर्जी वो वहां पे स्पेंड करता है, दैट एनर्जी इज सेट टू बी द वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहेंगे हम उसे, दिस इज सेट टू बी द थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की फोर्स से ओवरकम करने में यूज होगी। सो हमने जो एनर्जी यूज करी, सॉरी जो हमने एनर्जी सप्लाई करी 20 जूल्स, उसमें से कंज्यूम कितनी हुई बेटा, 15 जूल्स। सो लेफ्ट आउट 5 जूल, ये 5 जूल किस में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी में। सो काइनेटिक एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी सप्लाइड टू द एनर्जी कंज्यूम्ड एज वर्क फंक्शन। क्लियर? सो यहां से क्लियर है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहां से आ रही है, एनर्जी डिफरेंस से। सो दिस काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस of energy supplied to the energy consumed. So मैं अगर मान के चलूँ जो मैंने energy supply करी वो capital E है और जो energy consumed है उसका symbol है W naught. So E minus W naught अभी एक kinetic energy इसके equal हो गई। क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? अब यहां से हम बिल्कुल क्लियर कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, जो एनर्जी सप्लाइड, और एनर्जी सप्लाइड का फॉर्मूला क्या होगा, एच न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। सो वी कैन से काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। क्लियर? नाउ दिस वी हैव डिस्कस द सेकेंड ऑब्जर्वेशन, नाउ द लास्ट ऑब्जर्वेशन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स number of electron ejected directly proportional to intensity of light. It is very clear, जैसे जैसे light की intensity बढ़ेगी, as soon as the intensity of light increases the number of electron ejected will be more.
बट द मेन पॉइंट, जितने भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे दे ऑल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, बिकॉज जो रेडिएशन हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं दीज रेडिएशंस विल हैव द सेम फ्रीक्वेंसी और यू कैन से सेम एनर्जी. तो सेम एनर्जी की रेडिएशंस का इंटेंसिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड भी ज्यादा होंगे और उन सबकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी. बट द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, ये जो रेडिएशंस आप सप्लाई करोगे उनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन न्यू नॉट होनी चाहिए, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करके मूव नहीं करेगा. क्लियर? सो द आई विल राइट हेयर, इफ इंटेंसिटी इंक्रीजेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इंक्रीजेस, बट ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल हैव सेम एनर्जी, उनकी जो एनर्जी होगी वो बिल्कुल सेम होगी. सो दिस वी हैव डिस्कस द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर. नाउ वी विल शिफ्ट टू द, सॉरी, बिफोर वी शिफ्ट टू द न्यूमेरिकल्स वी हैव टू डू टू डेफिनेशंस. आई विल राइट हियर टू इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. These definitions are, number one, one Einstein, and second is beta, one electron volt. Two important definitions. This is written as one capital E, this is written as one E small v. So one Einstein is the energy of one mole photons. Clear? Suppose we are having the formula E total is equal to n h nu. तो जो number of photons हैं ये होंगे आपके one mole and the number is 6.022 × 10⁻². Okay? Now in one electron volt. Suppose this is an electron and you will accelerate the electron. You know the meaning of accelerate? You will continuously increases its velocity. To accelerate karenge using a potential difference of 1 volt. Kitna potential difference apply karna hai? 1 volt. Then the energy is said to be 1 electron volt. I'll again define. When the electron is accelerated by using a potential difference of 1 volt, the energy is 1 electron volt, and this will be equal to 1.602 × 10⁻¹⁹ joule. That you have to remember. So these are the two definitions that you have to remember. Now I will shift to the numerical part, the last part of the lecture, that is particle nature of radiations. But before it, I'll write something here on the board. The value of 1 electron volt is 1.602 × 10⁻¹⁹ joule. Now listen students, at some point I have to use hc and at some point I have to use 1 upon hc. So maine inki values pehle hi board pe likhta hu taki hamare jo numerical hain they may be quite easy. So the value of hc comes out to be 19.878 × 10⁻²⁶, and 1 upon hc is 5.03 × 10⁻²⁴. These we have to use. Now we'll start the questions. Question number 1 is, calculate the energy of 1 mole photon of frequency 5 × 10⁻¹⁴ hertz. How many photons? N. Photons are 1 mole, means N is equal to 6.022 × 10⁻²³. और बेटा फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है न्यू इज इक्वल टू 5 × 10⁻¹⁴ हर्ट्स. दिस डाटा इज गिवन टू यू. यू हैव टू कैलकुलेट एनर्जी. सो हम फॉर्मूला लिखेंगे बेटा एन एच न्यू. सो वैल्यू ऑफ एन इज 6.022 × 10⁻²³. एच इज 6.626 × 10⁻¹⁴. And frequency is 5 × 10⁻¹⁴. When you do the calculations, remember one thing, decimals को एक साथ कीजिएगा.
नॉन डेसिमल्स 6.626 मल्टीप्लाई 5 और 10 की पावर एक साथ कीजिएगा 23 माइनस 34 प्लस 14. आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस एंड सॉल्व दिस यू विल गेट द आंसर 19951 जूल्स. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ आई विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ फोटोन. यू हैव टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन एंड एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम. लैम्डा इज गिवन टू अस 6000 एंगस्ट्रॉम. लैम्डा इज 6000 एंगस्ट्रॉम. वी नो दैट बेटा 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर. सो कन्वर्ट कीजिए इनको एंगस्ट्रॉम में. 6000 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर. सिमिलरली लैम्डा इज 6000 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर. नाउ न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा. सी इज 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8. लैम्डा इज 6000 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10. सो इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द आंसर दैट इज 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स. नाउ एज फार एज एनर्जी इज कंसर्न वी आर हैविंग द फॉर्मूला ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा. एच और सी की कंबाइंड वैल्यू पुट कीजिए. आई हैव गिवन 19.878 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 26 अपॉन लैम्डा इज गिवन टू यू 6000 10 रेज टू द पावर माइनस 10. ऑन सॉल्विंग दिस द आंसर कम्स आउट टू बी 3.312 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 जूल्स. सो दिस वी हैव डन द क्वेश्चन नंबर 2. नॉट अ टिपिकल वन. डायरेक्ट फॉर्मूले हमने यूज किए हैं न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा और यहां पर बेटा वी हैव यूज्ड ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा. द मेन थिंग हमने एच सी की वैल्यू इकट्ठा की सो दैट आर कैलकुलेशन कम्स आउट टू बी क्वाइट ईजी. नाउ वील शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड बाई अ 100 वॉट बल्ब. सो वॉट इज क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज अ बल्ब हैविंग द पावर 100 वॉट. ही इज एमिटिंग द रेडिएशंस एंड आई हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड. क्या कैलकुलेट करना है बेटा? नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड. द बल्ब इज एमिटिंग द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर. These radiations are having wavelength 400 nanometer. So 400 into 10 raised to the power minus 9 meter. Now, power is what? Power is energy per unit time or energy per second. ठीक है? So हमारा जो formula है total energy का, E total is equal to NH C upon lambda. So बेटा, अगर यहाँ पे मैं energy को per second कर देता हूँ, energy per second, I'll write here. E total per second. So number of photons emitted भी क्या हो जाएगा? Per second multiplied by hc upon lambda. So यहां से जो number of photon emitted per second this comes out to be E total per second multiply lambda upon h into c. So total energy is given to you now per second 100. Lambda is 400 into 10 raised to the power minus 9 upon hc की value हम combine put करते हैं 19.878 10 raised to the power minus 26. When you solve, you will get the answer 2.012 10 raised to the power 20 photons are emitted per second. Very easy question, not a typical one. सिर्फ power given थी, power energy per second है, तो number of photons भी क्या हो जाएंगे? Per second. बाकी quantity constant है, so उसको हमने touch नहीं किया. Now question number 4 is calculate wavelength of photon in angstrom. We have to calculate wavelength of photon in angstrom having the energy 1 electron volt. So the energy given to us 1 electron volt means 1.602 10 raised to the power minus 19 joules. Now we know the formula E is equal to hc upon lambda. From here beta lambda is equal to hc upon E. एच सी का वैल्यू यहां से पुट कीजिए आप 19.878 10 रेज टू द पावर माइनस 26 और एनर्जी गिवन टू यू इज 1.602
10 raised to the power minus 19 joules. When you solve this, you will get the answer 12.42 into 10 raised to the power minus 7 meter. So ये जो वेवलेंथ है मीटर में, बट हमें कैलकुलेट करनी है एंगस्ट्रॉम में. सो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12.42 10 रेज टू द पावर माइनस 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 10. सो 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, वी विल गेट 10 रेज टू द पावर 3 एंगस्ट्रॉम. कंप्लीट आंसर इज 12.42 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 एंगस्ट्रॉम. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. नाउ विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 5 इज, ही सेज विच हैज मोर एनर्जी, फोटोन ऑफ वेवलेंथ 7500 एंगस्ट्रॉम और 5250 एंगस्ट्रॉम. हमें फाइंड आउट करना है विच हैज मोर एनर्जी एंड वी आर हैविंग टू फोटोन्स, वन विल हैव द वेवलेंथ 7500 एंगस्ट्रॉम, सेकेंड विल हैव द वेवलेंथ 5250 एंगस्ट्रॉम. सो बेटा मोर एनर्जी फाइंड आउट करनी है. वी नो दैट ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा. फ्रॉम हेयर इट इज क्लियर कि जो एनर्जी है इट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू लैम्डा. सो मोर एनर्जी किसकी होगी, विच हैज लेस वेवलेंथ. और लेस वेवलेंथ देखिए किसकी है बेटा, 7500 एंगस्ट्रॉम और 5250 एंगस्ट्रॉम. दिस 5250 एंगस्ट्रॉम हैव लेस वेवलेंथ, देयरफॉर दिस विल हैव द मोर एनर्जी. नाउ विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द एनर्जी ऑफ टू रेडिएशंस. टू रेडिएशंस की एनर्जी का रेशियो निकालना है, E1 अपॉन E2, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. हैविंग द वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम एंड 3000. आपको वेवलेंथ गिवन है, मींस लैम्डा 1 गिवन टू यू इज 6000 ए नॉट, लैम्डा 2 गिवन टू यू इज 3000 ए नॉट. And we know that energy E is equal to hc upon lambda. So just put in this formula, E1 upon E2, this is equal to, beta E1 ki jagah hum likhenge hc upon lambda 1 aur E2 hc upon lambda 2. hc se hc cancel, you will get lambda 2 upon lambda 1. So lambda 2 kya hai beta, this is 3000, lambda 1 is 6000, on cancelling this comes out to be 1/2. So E1 upon E2, this is equal to 1/2. Clear? Now we'll do one more question that is not written on the board. So I'll write the question on the board, then I will discuss question number 7 now. This is the last question on particle nature. Question is, sodium street lamp gives off yellow radiation of wavelength 588 nanometer. Calculate energy per mole of photons emitted. Just see out the question, what the question is. This is a street lamp. The street lamp is giving or emitting the radiations of wavelength 588 nanometer, means 588 into 10 raised to the power minus 9 meter. Now these radiations, they are having the photons, और हमें कैलकुलेट करनी है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स पर मोल. व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स पर मोल. पर मोल मींस जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो कितना होगा बेटा, 6.022 10 रेज टू द पावर 23. सो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ई इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्डा. नंबर ऑफ फोटॉन्स यू विल राइट 6.022 10 रेज टू द पावर 23. नाउ H और C की वैल्यू इकट्ठी लिखिए यहां से, 19.878 10 रेज टू द पावर माइनस 26 अपॉन लैम्डा गिवन टू यू इज 588
10 raised to the power minus 9. When you solve, you will get the answer 2.036 into 10 raised to the power 5 joule per mole. Why per mole? क्योंकि हमने 1 मोल फोटोन्स की एनर्जी कैलकुलेट की है. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक, दैट इज द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन. दैट्स ऑल.